हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा और आज हम चांद पे बात करेंगे। यस, चांद मतलब मून। एज वी ऑल नो कि आज फुल मून है और चांद अपनी फुल ग्लोरी में होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आता है। आप आसमान में देखते हैं, बहुत ही रोशनी होती है और बहुत ही सुंदर नज़र आता है, राइट? हम सब लोगों की आँखें नहीं हटती उस चांद से। सो चांद के ऊपर बहुत से गाने बनाए गए हैं, बहुत सारी शायरियाँ लिखी गई हैं चाँद के ऊपर, उसकी खूबसूरती के ऊपर। हम सबको पता है कि चाँद कितना ब्यूटीफुल है, कितना पवित्र है, कितना सुंदर है, राइट? हमें यह भी पता है कि शिव जी ने अपने जटाओं में उसे समेटा हुआ है, उस चाँद को, राइट? सो चाँद बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुंदर है। नाउ हम ये देखेंगे कि कैसे हम आज के दिन यानी फुल मून के दिन उस चांद की रोशनी के साथ हम कैसे अपनी लाइफ में खुशियों को और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस, नाउ चांद फुल मून पे, आपको सबको पता है कि चांद अपनी फुल फॉर्म पे होता है। फुल मून पे कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज फ्लो कर रही हैं मानो जैसे आसमान में से अमृत बह रहा है, राइट? इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। आप फॉर एग्जांपल, आप कोई भी रिचुअल करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके मन में उस चीज़ के लिए कितनी श्रद्धा है, कितनी फीलिंग है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। एंड उससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि फुल मून के दिन ऐसे लगता है कि जैसे मानो आसमान में से अमृत बह रहा है, एंड दिस इज़ ट्रू। आप अपनी विशेस को फुल मून पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वो कैसे? बहुत सारे तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के। कोई लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, कोई लोग कैंडल्स जगा के करते हैं, कोई लोग एफर्मेशंस देके करते हैं, बहुत तरीके होते हैं, राइट? सो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अच्छी फीलिंग्स के साथ, कहते हैं ना, कोई चीज़ आपने करनी है तो आपको उसके लिए रेडी होना है, आपने उसके लिए रिसीव करने के लिए तैयार होना है। तो अपने मन में अच्छी अच्छी फीलिंग्स लेके आइए। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डे। तो आप रात को जब चांद निकलता है तो आप उसके दर्शन कीजिए। आप अपने आप को कहते हैं कि तैयार कीजिए, कुछ अच्छा तैयार होइए और कुछ अच्छा फीलिंग्स के साथ आप उस चांद के दर्शन कीजिए, उसकी रोशनी को, उसकी जो ब्यूटिफुल जो रेज है उनको अपने आप में एब्जॉर्ब होता हुआ देखिए, महसूस कीजिए उसको कि शायद जैसे आपके अंदर कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट? उस चांद के अंदर बैठ, चांद की रोशनी के नीचे बैठ के आप उसकी जो किरणें हैं उनको अपने अंदर फ्लो होता हुआ देखिए, एज इफ जैसे आपकी बॉडी में से सारी नेगेटिविटी जा रही है और पॉजिटिविटी आपकी बॉडी के अंदर आ रही है, राइट? बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है, राइट? तो आपको खुद फील होगा कि ये कितना मैजिकल है। देन यू कैन यूज़ मैनिफेस्ट एफर्मेशंस। आप बहुत सारी एफर्मेशंस दे सकते हैं, आपको बहुत सारी ऑनलाइन एफर्मेशंस भी मिल जाएंगी कि कैसे आप उनको यूज़ करके आप अपनी जो मन पसंद चीज़ है या अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं। आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख के अपनी विशेस यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं, राइट? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ फील करना है उस चीज़ को और उसमें ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। यस, बिलीव इस चीज़ में द बिगेस्ट फैक्टर। एक बिलीव होता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अचीव, राइट? सो उस बिलीव से, उस खुशी से, उस होप से कि यस मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ, आपने उस चांद की रोशनी को अपने अंदर महसूस करना है। फिर आप एफर्मेशंस दीजिए, आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, आप लिखिए अपनी विशेस को, आप उस विशेस को लिख के डायरी में आप उस यूनिवर्स तक पहुँचाइए। आप कैंडल बर्न कर सकते हैं। नाउ हर विश के लिए अलग अलग कैंडल यूज हो होती है कलर्स की, वो हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे
कलरफुल कैंडल्स होती हैं, राइट? सो अलग अलग पर्पस होता है उनका. फॉर इंस्टेंस आप वाइट कैंडल ले लीजिए, राइट? एक छोटी सी वाइट कैंडल लीजिए और आप इस आस्था के साथ, इस विश्वास के साथ आप उसको बर्न कीजिए. आप उसको पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए कि यस, मेरी ये विशेस पूरी हो गई है, आई एम वेरी हैप्पी. आप जो चाहते हैं आप वो फीलिंग उसमें डालिए और उस फीलिंग के साथ आप वो कैंडल फुल मून पे रात को, आप शाम को, आप चांद के दर्शन करके आप उसको बर्न कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होता है. ये ट्राई करके देखिए ज़रूर, बिकॉज मैंने ही अपनी लाइफ में आसमा के देखा है. यस, बट एज आई टोल्ड यू कि बिलीव होना बहुत ज़रूरी है. आपके मन में खुशी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है. आपको ये बिलीव करना है कि यस, ये असली में होता है. आपको पता है कि आपने जब चांद को देखा, इट्स सो मैजिकल, इट्स सो प्योर. उसमें से जो रेज आ रही हैं आप उसको अपनी बॉडी में फील कीजिए, जैसे आपकी बॉडी में वो जा रही है और आपकी बॉडी में से सारे नेगेटिविटी को फ्लश आउट कर रही है. अब आपकी बॉडी में क्या है, उस वो टोटल प्योर मैजिक है. वो जो मैजिकल रेस आपके अंदर वो जा रही है, उनको अब्सॉर्ब कीजिए अपने अंदर, उनको फील कीजिए. इस तरह आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं. ये एक, इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ रिचुअल, राइट? सो बी रेडी. आप जब भी कोई चीज़ करते हैं, आप फुल लाइक मान लीजिए ये रिचुअल है, आप उसके लिए रेडी हो आप उसको लाइक उसको रिसीव करने के लिए, जैसे कहते हैं ना, हमें कोई चीज़ रिसीव करनी है, हमें कुछ करना है, तो हम तैयार होते हैं कि लेट्स गेट रेडी. सिमिलरली इट वर्क्स. उसको अच्छी फीलिंग के साथ कीजिए, अच्छे इमोशंस डालिए. उदास होके नहीं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा वैसा नहीं. बी पॉजिटिव, उसमें खुशी महसूस कीजिए, उस चांद की एनर्जी को अपने अंदर फ्लो कीजिए और फिर देखिए, इट कैन डू वंडर्स. आप डायरी में लिख के अपनी विशेस को, कहते हैं ना, आप उस यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं. अच्छा फील कीजिए, गुड वाइब्स अपने अंदर फील कीजिए, उस एनर्जी को अपने अंदर तक फ्लो होने देना है. सो बहुत सारे ऐसी और चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, राइट? सो फुल मून पे मेरा ये मानना है कि नेचर में बहुत कुछ है. नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है. हमें ये भी पता है कि चांद धीरे धीरे फेजेस से निकलता हुआ, अंधेरे में से निकलता हुआ अपनी फुल ग्लोरी में आता है, राइट? हमें नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप बिलीव करते हैं तो ज़रूर होता है. नेचर भी ऐसे ही काम करती है. रात के बाद दिन है, दिन के बाद शाम है, सुबह सन निकलता है, रात को चांद निकलता है, पंछी अपने घरों में चले जाते हैं. ये सब पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, पार्ट ऑफ नेचर है. तो हमें भी नेचर के साथ मिलके, उस यूनिवर्स के साथ मिलके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें भी उस यूनिवर्स के साथ मिलके, उस नेचर के साथ मिलके हमें चीज़ों को रिसीव करना है. बहुत कुछ है नेचर में, अगर हम विश्वास करें तो, अगर हम माने तो, राइट? सो ये मेरा एक छोटा सा फुल मून पे ये एक लाइक सॉर्ट ऑफ रिचुअल है जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ कीजिए, पूरे भरोसे के साथ कीजिए कि यस, एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ. सो थैंक यू सो मच. आगे हम वीडियोस बनाते रहेंगे और अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.